12 मार्च 1993 का वो दिन जब मात्र 2 घंटे 12 मिनट में माया नगरी मुंबई ने 12 धमाके झेले। इन धमाकों में 257 लोगों की जाने गई और करीब 700 लोग घायल हुए। देश में आतंक का ये पहला और उस समय तक का सबसे बड़ा हमला था। चारों तरफ दहशत का माहौल था। इस मामले की जांच करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 150 से ज्यादा टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों से सबूत जुटाए और मुख्य आरोपियों में से कुछ को सजा भी मिली। 12 मार्च 1993 पूरा घटनाक्रम। 12 मार्च 1993 को मुंबई बम धमाकों को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया था। तस्करी के अपने जाल का इस्तेमाल करते हुए दाऊद ने अरब सागर के रास्ते विस्फोटकों को मुंबई पहुंचाया था। इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए पहले ही जगहों की पहचान कर ली गई थी और मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में करीब 2 घंटे तक ये धमाके होते रहे। पहला धमाका सुबह करीब 1:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास और आखिरी धमाका दोपहर 3:40 पर सी रॉक होटल में हुआ। 4 नवंबर को शुरू हुई जांच प्रक्रिया। 4 नवंबर 1993 में 10,000 पन्ने के 189 लोगों के खिलाफ प्राथमिक चार्जशीट दायर की गई थी और 19 नवंबर को ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। 19 अप्रैल 1995 को मुंबई की टाडा अदालत में सुनवाई हुई और अगले 2 महीनों में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। सितंबर 2006 को अदालत ने अपने फैसले देने शुरू किए। संजय दत्त भी हुए थे गिरफ्तार। अप्रैल 19, 1993 को बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था। उन पर AK-56 राइफल, एक 9mm पिस्टल और अम्यूनिशन रखने के आरोप थे। हालांकि मई 5, 1993 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दत्त को अंतरिम जमानत दे दी थी। 22 साल तक चला केस। इस मामले की सुनवाई 22 साल तक टाडा कोर्ट में चली। 600 लोगों की गवाही के बाद 2006 में कोर्ट ने मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के भाई याकूब मेमन और संजय दत्त समेत 100 लोगों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोग बरी हुए थे। अब तक कुल 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से याकूब मेमन को 2015 में फांसी पर चढ़ाया जा चुका है। अबू सलेम समेत 22 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। एक आरोपी अब्दुल कयूम को जून 2017 में बरी कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम समेत 27 आरोपी फरार हैं।